आज बात 21वीं सदी के उस भारत की, जहां पर जाति की ऊंच नीच का जो भाव है, जो लड़ाई है, वो आज भी देखी जाती है। और जब मामला अजमेर शहर से सामने आए तो बहुत चिंता की बात है, अजमेर के कलेक्टर के लिए भी, राजस्थान की सरकार के लिए भी। ऐसा ही एक मामला आया है जहां गांव से बिंदोरी निकालने की बात आई, तब एक ऊंची जाति के किसी व्यक्ति ने ये कहा कि अगर बिंदोरी यहाँ से निकाली तो कोई भी हरकत या फिर मारपीट जैसी घटना की जा सकती है। ऐसा डर जो दूसरी जाति के लोग हैं उनके अंदर है। पुरानी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं वो आज भी गाँव के अंदर देखने को मिल रही है, और ऐसा ही मामला आज खुलकर अजमेर कलेक्टर के पास भी आया है, सामने आया है। हमारे साथ एक पीड़ित हैं इस वक्त। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या और कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, मेरा गाँव है तहसील टाटोटी। अच्छा ओम प्रकाश, ये बताओ क्या है ये पूरा मामला, बिंदोरी निकालने का मामला है या कोई जाति के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या बात है? देखो, इस गांव के अंदर आज पहली बार यानी किसी SC ST के लोग यानी दलित परिवार में किसी को घोड़ी भी आज तक बिठाया नहीं। मैं एक पहली बार यानी घोड़ी बिठाना चाहता हूँ मेरे भाई को, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे यानी पहले तुम्हारे पूर्वज बढ़ेरे यानी करते आए, वैसे यानी गाँव की मर्यादा में रहकर उसी तरह से बिंदोरी निकालो, हम यह घोड़ी बैठने से हमारे को पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद ही नहीं है उनको घोड़ी पे बैठ के निकालना? हाँ, पसंद मतलब पूरे गांव में या उनके घर के सामने? नहीं, नहीं, पूरे गांव के अंदर है। अच्छा, पहले कैसे आप लोगों के निकालते थे बिंदोरी? पहले पैदल जाते थे। अच्छा, पैदल जाते थे। हाँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं मेरे भाई को घोड़ी के ऊपर बैठा के निकालना चाहता हूँ। अब वो लोग आपको क्या कह रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे गाँव के हिसाब से काम करो आप, यानी कानून के हिसाब से काम मत करो आप। अच्छा, ये बोल रहे हैं। उनका खुद का अपना संविधान हो गया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज यानी एक गांव के अंदर एक मीटिंग रखी है पूरे गांव वालों ने। अच्छा, कल यानी थानादार वो तहसीलदार आए, बोले कल यानी गांव पूरे गांव की मीटिंग है और वहाँ आना। अच्छा। तो मेरे पिताजी यानी गए नहीं, तो उसको यानी एक यानी कोई बोला व्यक्ति के वो अगर नहीं आता है तो उसको गाड़ी के बांध कर घसीट कर लेके रहो। इतनी बड़ी बात बोल दी गई आपके भाई के लिए या आपके लिए? पिताजी के लिए, पिताजी के लिए। अच्छा, ये बात किसने कही कि गाड़ी पे बांध के लेके आ जाइए? एक बावरलाल साधु है। अच्छा, ये कौन है गांव में? गांव में राशन की दुकान करता है। अच्छा, किसी पार्टी से संबंध रखते हैं ये? नहीं, पार्टी से संबंध नहीं है। अच्छा, नहीं रखते? समाज से। अच्छा, गांव की आबादी कितनी होगी आपकी? गांव की आबादी, जनसंख्या? हाँ। जनसंख्या है करीबन 1000। और उसमें दलित कितने होंगे? दलित के यानी है देखो SC ST के यानी 25-30 घर है साहब। अच्छा, हमें कई बार लगता था जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते थे कि दलितों के ऊपर अत्याचार अब नहीं होते होंगे, और हालांकि होते होंगे, भारत से कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन वो यूपी बिहार से ज़्यादा खबरें आती थी। लेकिन इस बार अजमेर जो स्मार्ट सिटी है उसके करीब का ही एक गाँव है, वहाँ से ये मामला सामने आया है। आपके संज्ञान में मामला आया, कहीं शिकायत की है, कहीं सुरक्षा मांगी है? मैं बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रभारी हूँ अजमेर से। हमारे कार्यकर्ता ने हमको फ़ोन पर बताया, फिर उसके बाद हम गए इनसे मिले कि हमारे साथ गांव के कुछ असामाजिक तत्व और अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो पिछले कई वर्षों पहले जो इस देश के अंदर दलितों के साथ किया जाता था, गरीबों के साथ किया जाता था, वही रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर ऐसी हिम्मत जगी कि भाई 60-70 साल 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, सबको बराबर का समानता का अधिकार है। तो इनके अंदर एक हिम्मत जगी हमारे कार्यकर्ता के अंदर कि मेरा भाई की शादी है और मेरे भाई को मैं इस गांव के अंदर से घोड़ी पे बिठा के बिंदोरी निकलवाऊंगा। तो लोगों को पता चला तो गांव के दबंग लोगों ने और गांव के कुछ समाज के लोगों ने इनको बुलाया मीटिंग द्वारा, मीटिंग करके कि आओ, और इनको डराया धमकाया। तो आज भी शायद इनको बुलाया गया इनके कहे अनुसार, लेकिन ये गए नहीं। तो एक व्यक्ति के साथ ये समाचार भेजा कि अगर वो नहीं आता है तो ओम प्रकाश के पिताजी को गाड़ी के पीछे बांध कर और गांव के अंदर घसीटा जाए और उसको हमारे यहां दरबार में लाके पेश किया जाए। अच्छा। तो हमने ये सारी बातें सुनी, उसके बाद हम पहले भी एक एप्लीकेशन कलेक्टर महोदय के दे चुके हैं और SP साहब को भी दे चुके हैं, उसके रिमाइंडर के हिसाब से हम दोबारा आए हैं कि भाई इनके साथ ऐसा किया जा रहा है, और इनसे हम ये गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आज से ही इस दलित परिवार को सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कराई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल, समानता के अधिकार का किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से धरातल पर नहीं मिल रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार आज की तारीख में भी हो रहे हैं,
ये सबसे बड़ा सवाल है सरकारों के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी, कि जब शासन व्यवस्था लचर होती है तब ऐसे मामले खुलकर सामने आते हैं। खैर ओम प्रकाश, आपको एमटीटीवी इंडिया का ये वादा है कि आपके पिताजी को कोई गाड़ी पे नहीं बांधेगा, अगर अजमेर के एसपी और कलेक्टर नहीं सुनेंगे तो एमटीटीवी इंडिया आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। आपके भाई की जो आप बारात निकालना चाहते हैं वो घोड़ी के ऊपर ही निकलेगी, नहीं निकलेगी तो आप ये मान के चलिए कि हम खुद वहां पर होंगे, आपका भाई हमारा भाई होगा, और इस खबर को हम एक मुहिम के तौर पर लेंगे कि अगर घोड़ी के ऊपर नहीं निकाला या किसी इस तरीके से अत्याचार यदि दलितों पे होता है तो एमपीटीवी इंडिया ग्राउंड पर मौजूद होगा और अजमेर के कलेक्टर और एसपी दोनों से सवाल करेगा। अगर सुरक्षा नहीं मिली या ऐसी कोई हरकत हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस मामले में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 21वीं सदी के भारत के अंदर दलितों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार या समानता का अधिकार अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी होगी। खैर देखते हैं अजमेर के कलेक्टर और एसपी इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एमटीटीवी इंडिया, अजमेर।